हेलो एवरीवन, दिस इज़ बबीता। एंड आज जो है हम केमिस्ट्री का 11th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। सो 9th क्लास में जो है हमने पढ़ा था कि जो मैटर है हमारे अराउंड, एलिमेंट्स कंपाउंड या फिर मिक्सचर, वो ईच एलिमेंट जो है किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो 1800 के नियर अबाउट ओनली 30 एलिमेंट्स थे नोन, और जिनकी सभी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे एलिमेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगे, और ज़्यादा उनकी जो है डिस्कवरी हो गई। 1865 तक 63 एलिमेंट्स हो गए थे, और आज जो है 118 एलिमेंट्स नोन हैं, और आगे फर्दर और भी डिस्कवरीज हो रही हैं। सो जैसे जैसे मोर और मोर इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कवर्ड होती गई, साइंटिस्ट जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में फाइंड आउट करने लगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया उनकी स्टडी को देखना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। तो एक नया पैटर्न हमें ढूंढना था जिससे जो है हम उसको क्लासिफाई कर पाएँ ईजीली, जो है हम उनको रिमेंबर कर पाए ईजीली, जो है उनकी स्टडी कर पाएँ। तो इस बेसिस पे जो है बहुत सारे अर्ली अटेम्प्ट हुए थे। जैसे आज जो है आपको पीरियडिक टेबल के बारे में पता होगा, पीरियडिक टेबल है हमारी इस तरीके से कि इसको इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि है ना, सभी जो एटम्स हैं वो उनको ग्रुप में, जैसे कि ये जो है ग्रुप में है, ये सभी जो है क्या है वर्टिकल ग्रुप्स हैं। तो अगर क्या है कि इन सभी की प्रॉपर्टी जो है नियर अबाउट सेम होगी। अगर मैं जो है बोरोन की बात कर रही हूँ तो एल्युमिनियम, गैलियम, इन सभी की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगी। सो मतलब अगर मैंने जो है ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पे रीड कर लिया, तो ऑक्सीजन इसका मतलब क्या है कि इनकी प्रॉपर्टी रिसेम्बल करती है, तो मुझे ऑलमोस्ट मैं आइडिया लगा सकती हूँ इनके बारे में कि ये जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। मतलब अगर एक के बारे में पढ़ लिया तो जो है ऑलमोस्ट सभी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से जो है, लेकिन ये पैटर्न बनाने में जो है क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, अर्ली अटेम्प्ट क्या क्या थे क्लासिफिकेशन के, किस तरीके से ऑर्डर को बनाया गया, तो वो सारी चीज़ें जो है आज हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि क्या क्या हुआ था। सो फर्स्टली जो है हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो डोबर्नियर स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है 1817 के अंदर जॉन वॉल्फगैंग डोबर्नियर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है सिमिलर प्रॉपर्टी को एक ग्रुप के अंदर। तो उन्होंने बताया कि जो तीन एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, जिसको हम बोलते हैं डोबर्नियर ट्रेड्स। ये है डोबर्नियर ट्रेड्स, ठीक है। तो उन्होंने फर्दर ऑब्जर्व किया कि जो थ्री एलिमेंट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के, वो अरेंज्ड होंगे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। जो मिडल वाला होगा, तो इसके अंदर जो मिडल वाला होगा वो क्या होगा, उसका जो एवरेज होगा एलिमेंट का, वो रफली मीन होगा मिड वाले एटम का। तो जैसे कि यहाँ पे जो है मैं एग्जांपल ले रही हूँ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसके अंदर जो है एटॉमिक मासेस गिवन है 7, 23 एंड 39। तो जो मिड वाला होगा इन सभी का टोटल जो है मिड वाले के एवरेज होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक तो ठीक था, सिमिलैरिटीज़ भी हो रही थी, सब कुछ था। लेकिन आगे जब फर्दर जो है डिस्कवरीज़ हुई, अरेंज किया गया एटॉमिक मासेस को उन्होंने, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि है ना, ये सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल नहीं थी। उसके बाद जो है न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल आया, और न्यूलैंड ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट किया टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और इनका पूरा नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। उन्होंने न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल दिया, उन्होंने बताया कि इस लॉ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स जो हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज होंगे। मतलब कि उनकी प्रॉपर्टी जो है एवरी 8th एलिमेंट की वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी, जैसे कि हमारा म्यूजिकल स्केल होता है उसी तरीके से। तो
न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट ये भी जो है रिजेक्ट हो गया। अब इनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जैसे सेवन्थ एलिमेंट लिथियम है, इसका एटॉमिक वेट 7 है, तो इससे सेवन्थ एलिमेंट जो है फ्लोरीन है। इसके बाद जो है इनकी प्रॉपर्टी जो है ऑलमोस्ट रिसेम्बल करेंगी। और फर्दर जो है इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया है न्यूलैंड की, क्योंकि ये जो है सिर्फ 40 यूनिट, ओनली 40 यूनिट तक, मासेस तक ही एप्लीकेबल थे कैल्शियम तक। और सेकेंडली जो है नोबल गैस जब डिस्कवर हुई तो ये जो है बिल्कुल प्रॉपर्टी जो 9th एलिमेंट की थी वो सिमिलर नहीं थी 1st एलिमेंट की। ठीक है, तो ये कुछ हिस्टोरिकल थ्योरीज थी जो कि पीरियोडिक टेबल बनाने में जो है यूज़ हुई। और आगे जो है फर्दर देखेंगे हम कुछ और अटेम्प्ट्स जो कि अर्लियर अटेम्प्ट थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।